कि सभी को पता है कि अक्टूबर 2005 के बाद सरकारी कर्मचारियों की शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी गई थी और पुरानी पेंशन बहाली के लिए तब से शिक्षक आंदोलनरत है और शिक्षक और कर्मचारियों के भारी दबाव को देखते हुए सरकार ने एनपीएस में कुछ थोड़े से बदलाव ला के उसको यूपीएस का नाम दे दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो किसी भी रूप में शिक्षक कर्मचारियों के हित में नहीं है। और हम लोग सभी जैसे एनपीएस का विरोध कर रहे थे, ऐसे ही पूरे देश भर के हमारे जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो यूपीएस का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं शिक्षक हैं उनके हित में केवल पुरानी पेंशन थी और हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जैसी थी वैसी बहाल हो। ना हम न्यू पेंशन हमें चाहिए, ना हमें यूनिफाइड पेंशन चाहिए, हमें केवल और केवल ओल्ड पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। उसके लिए हम सब संघर्ष। नाम और पद? प्रवीण सिंह रावल, जिला मंत्री, राजकीय शिक्षक संघ पिथौरा। सरकार द्वारा कर्मचारियों की जो जीवन मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बैठक बुला गई थी, लेकिन सरकार द्वारा पुरानी पेंशन के स्थान पर एक यूपीएस लागू करने की घोषणा की गई है, जो कर्मचारी और शिक्षक विरोधी है। जिस प्रकार से 2005 में सरकार ने यूपीएस के बदले पुरानी पेंशन के बदले नई पेंशन योजना लागू की थी, उसी प्रकार से हम आज पूरे जोर के साथ सरकार को यूपीएस के विरोध में खड़े हुए हैं और हम लोग सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि अगर उनके द्वारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो जिस प्रकार से हमारे कर्मचारियों का जोश देखने को मिल रहा है उसको उसमें गंभीर रूप से करना पड़ेगा। धन्यवाद। नाम और पद? नाम विजय नंदी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ यूपीएस का। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।